ये लो मैडम, 190 रुपए हो गए आपके। ये क्या है भैया, आप मुझे चॉकलेट क्यों दे रहे हो? चॉकलेट नहीं खाती मैं, और ना ही मेरे घर में कोई बच्चा है जो ये खाए। ठीक है, आपके पास खुले पैसे नहीं है, मैं आपको ऑनलाइन दे देती हूँ, कोई बात नहीं। ऑनलाइन के चक्कर में मैं नहीं फंसता, आपको सामान लेना है तो लो, वरना किसी और दुकान से देख लेना। ओ भैया, एक जिलेट का रेजर दे देना। चलो 5 रुपए। अरे ये क्या है भैया, आप हमेशा मेरे को कुछ ना कुछ सामान दे देते हो खुले पैसे की जगह, ऐसा क्यों करते हो आप? अरे खुले नहीं है मेरे पास। अरे खुले पैसे नहीं है तो क्या हो गया? मैं काम करता हूँ, आप 30 रुपए वापस दीजिए, ऑनलाइन कर देता हूँ। अरे वो दरअसल ऑनलाइन के चक्कर में मैं नहीं पड़ता, और वैसे भी आजकल बहुत फ्रॉड हो रहे हैं, तुझे सामान लेना है तो ले, वरना किसी और दुकान पे देख लियो। अच्छा अच्छा ठीक है, गुस्सा मत हो, कोई बात नहीं। भैया वो एक, अरे आप तो वही हो ना मैडम जो सुबह चिक चिक कर रही थी 10 रुपए के ऊपर? हाँ भैया वही हूँ मैं, सुबह चिक चिक के चक्कर में सामान ले जाना भूल ही गई हूँ। हाँ तो बताओ क्या चाहिए? मुझे एक सोया चंक्स, कुट्टू का आटा, मूंगफली के दाने और एक जूस का डब्बा। ठीक है। ये लो मैडम, 1000 रुपए हो गए आपके। 1000 रुपए? एक सेकेंड, ये लो। ये क्या, बाकी के पैसे? हाँ हाँ दे रही हूँ, रुको तो सही। ये है मेरे हस्बैंड का पर्स, उन्होंने नया ले लिया क्योंकि ना यह थोड़ा फट गया है, 100-150 का चला ही जाएगा। ये है डब्बा जो मेरे किसी भी काम का नहीं है, आपके शॉप पर तो काम आ ही जाएगा, 20-30 रुपए का ये भी चला जाएगा। और ये है मेरा महंगा सा सूट, मैंने पहनना ही छोड़ दिया, तो ये भी 200-300 का चला ही जाएगा, तो हो गए ना आपके पूरे 500 रुपए। अरे मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे? ये सामान क्या पकड़ा रही हो, मेरे पैसे दो ना। भैया मैं भी तो वही कर रही हूँ ना जो सुबह आपने मेरे साथ किया था, मुझे चॉकलेट नहीं चाहिए थी, फिर भी आपने जबरदस्ती मुझे वो चॉकलेट दी, तो अब मेरे पास पैसे नहीं, मैं आपको सामान दे रही हूँ, हिसाब बराबर हुआ ना? जैसा आप सबके साथ करोगे ना वैसा ही आपके साथ भी होगा, ये बात हमेशा याद रखना। माफ कर देना मैडम, वो पैसे के लालच में इतना अंधा हो गया था कि खुद समझ नहीं पाया कि क्या कर रहा हूँ। भैया आप ना अपनी इस दुकान का बहुत गलत फायदा उठा रहे हो, आपको अच्छे से पता है कि आसपास कोई और शॉप है नहीं, तो कस्टमर आएगा तो वो आपकी दुकान से ही सामान लेके जाएगा। आप तो बोल देते हो लेना है ले वरना जाए यहाँ से, आप तो ऐसे कस्टमर को मजबूर करते हो ना सामान लेने के लिए। अरे हम लोग भी पैसे कमा के लेके आते हैं, जो चीज़ हमें नहीं चाहिए वो क्यों ले हम? अरे हाँ हाँ ठीक है मैडम, नहीं होगा आगे से, लाओ मेरे पैसे दे दो। इतने घटिया इंसान हो ना, अब भी आपको अपने पैसों की पड़ी हुई है, बिल्कुल रियलाइज नहीं हुआ ना आपको कि आपने क्या किया है क्या नहीं? खैर मैं आपकी जैसी नहीं हूँ, आपके पैसे आपको देकर ही जाऊंगी। ये रहे 500 रुपए और, और हाँ ये सामान छोड़कर जा रही हूँ, बेच देना बिक जाए तो आपसे, और रख लेना पैसे।